ताइवान में जन्मे एरिक चियन एक कमाल के जादूगर हैं जो अपनी स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक में माहिर हैं। ये आपकी आंखों के सामने से चीजों को ऐसे गायब कर सकते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। एरिक एशियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 3 के विनर थे और इस वीडियो में हम इनके इसी सीजन के इस गजब के फाइनल एक्ट को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट में एरिक सबसे पहले टेबल पर एक बाउल में बहुत सारी बटन शेप्ड कलरफुल चॉकलेट कैंडीज निकालते हैं। एरिक के साथ शो के होस्ट एलन वॉन्ग भी स्टेज पर मौजूद होते हैं। एरिक एलन को कैंडीज चेक करने के लिए देते हैं जो बिल्कुल रियल होती है। इसके बाद जादूगर एरिक बाउल में अपना राइट हैंड डालते हैं और कुछ कैंडीज निकालकर अपने लेफ्ट हैंड में लेते हैं, लेकिन जब वो अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी खोलते हैं उसमें से एक स्मॉल साइज का रूबिक क्यूब बाहर निकलता है। इसे एरिक एलन को चेक करने के लिए देते हैं और ये एक असली रूबिक्स क्यूब होता है। अब एरिक एलन से वो रूबिक्स क्यूब वापस लेते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। इस क्यूब को एरिक अपने दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं और फिर एलन के आगे इसे स्लाइड करके उन्हें इसे कवर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जादूगर एरिक बाउल में से कुछ कैंडीज निकालकर टेबल पर गिराते हैं और तभी वो कैंडीज एक बड़े रूबिक्स क्यूब में बदल जाती है। अब एरिक इस रूबिक्स क्यूब को अपने राइट हैंड में लेते हैं। इस समय ये क्यूब अनसॉल्वड है और सारे कलर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन एरिक बस इसे दो तीन बार हवा में शेक करते हैं और अगले ही पल उनके हाथ में एक फुल्ली सॉल्वड रूबिक्स क्यूब होता है। अब एरिक एलन से टेबल पर रखे छोटे रूबिक्स क्यूब पर से हाथ हटाने के लिए कहते हैं और ये क्या, ये छोटा सा क्यूब भी अपने आप परफेक्टली सॉल्वड हो चुका होता है। इसे देखकर एलन भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं होता। एरिक उस सॉल्वड क्यूब को अपने राइट हैंड में उठाते हैं और ये क्या, वो क्यूब एक कैंडी से बने क्यूब में बदल जाता है। अब जो जादूगर एरिक के दूसरे हाथ में बड़ा रूबिक्स क्यूब मौजूद था, एरिक उसे टेबल पर जोर से फेंकते हैं और वो प्लास्टिक का क्यूब बहुत सारी कलरफुल कैंडीज में बदल जाता है। अब एरिक बाउल में से कुछ और कैंडीज अपने हाथ में लेते हैं और अगले ही पल वो कैंडीज कन्फेटी में बदलकर हवा में उड़ने लग जाती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, आखिर कैसे कैसे कैंडीज क्यूब में बदल जाती है, कैसे क्यूब्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, कैसे क्यूब्स फिर से कैंडीज बन जाती है और एंड में कैसे ये कैंडीज कन्फेटी में बदल जाता है। अब हम इन सब के पीछे के सीक्रेट्स जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको एरिक चियन का ये गजब का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही मैजिक रिवील्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में सबसे पहले जादूगर एरिक बाउल में से कुछ कैंडीज अपने लेफ्ट हैंड में डालते हैं और जब वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो कैंडीज एक छोटे से रूबिक्स क्यूब में बदल जाती है। असल में अगर हम बाउल में से कैंडी उठाने से ठीक पहले उनके राइट हैंड को देखें तो वो यहाँ टेबल के नीचे है और यहीं एरिक बड़ी चालाकी से एक स्मॉल साइज रूबिक्स क्यूब अपने हाथ में ले लेते हैं जो इन्होंने यहाँ अपने अंगूठे और उंगली के बीच की जगह में रखा हुआ है। आप इनके हाथ को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं और अगर थोड़ा जूम करके देखें तो आप इस क्यूब को यहाँ देख भी सकते हैं। इसे ही एरिक अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं और इस तरह जादूगर एरिक कैंडी को क्यूब में बदलकर सबको चौंका देते हैं। ये क्यूब अभी अनसॉल्वड है। इसके बाद एरिक इस क्यूब को टेबल पर रखते हैं और अपने दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं। एरिक इसे स्लाइड करके शो के होस्ट एलन के आगे करते हैं और उनसे क्यूब को कवर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब बाद में एलन इस पर से अपना हाथ उठाते हैं तो ये क्यूब फुल्ली सॉल्वड होता है। तो आखिर क्यूब अपने आप कैसे सॉल्व हो गया? अगर आप यहाँ देखें तो एरिक इसे टेबल पर इस स्पॉट पर रखते हैं जहाँ आप ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा कट ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जब एरिक इस क्यूब को अपने दोनों हाथों से कवर करते हैं, यहाँ आप अंदर क्यूब की मूवमेंट को भी देख सकते हैं जो गायब होता है और वापस आ जाता है। असल में यहाँ टेबल में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है। टेबल के इस पोर्शन के ठीक नीचे एक सॉल्व्ड क्यूब पहले से ही चिपका होता है। एरिक के बटन प्रेस करते ही टेबल का ये पोर्शन जहाँ क्यूब रखा हुआ है फ्लिप हो जाता है और ऊपर रखा क्यूब नीचे और नीचे चिपका सॉल्व्ड क्यूब ऊपर आ जाता है। इसे ही स्लाइड करके एरिक एलन के आगे कर देते हैं और बाद में जब एलन अपना हाथ हटाते हैं तो अंदर से एक फुली सॉल्व्ड क्यूब बाहर निकलता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एरिक बाउल में से कैंडीज लेते हैं और उसे टेबल पर फेंकते हैं और अगले ही पल वो कैंडीज एक बड़े रूबिक्स क्यूब में बदल जाती है। असल में अगर स्लो मोशन में देखें तो जैसे ही कैंडी क्यूब में बदलती है तो कुछ कैंडीज को आप आगे की तरफ उड़ता हुआ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ ये क्यूब कैंडी से नहीं बना है बल्कि यहाँ टेबल के पीछे पहले से ही मौजूद था जो सही समय आने पर पीछे से आगे आता है। आप यहाँ स्लो मोशन में क्यूब को एरिक के हाथों के पीछे से आगे टेबल पर आते हुए देख सकते हैं जिससे ये चॉकलेट कैंडी भी क्यूब से टकरा कर आगे की तरफ उड़ती है। इसके बाद एरिक इस क्यूब को अपने राइट हैंड में लेते हैं और इस समय ये अनसॉल्व है लेकिन हवा में शेक करने पर अगले ही पल क्यूब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। असल में अगर आप इस क्यूब को देखें तो कुछ कलर्स पहले से ही अरेंज्ड हैं। अब ये क्यूब बस कुछ टर्न्स ही दूर है पूरी तरह से अरेंज होने में। यहाँ एरिक सिर्फ क्यूब को शेक नहीं करते बल्कि अपनी उंगलियों से इसे टर्न भी करते हैं और 2-3 टर्न्स के बाद ये क्यूब सॉल्व हो जाता है। स्लो मोशन में हम एरिक को क्यूब टर्न करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद एरिक उस छोटे क्यूब को अपने राइट हैंड से कवर करते हैं और ये क्यूब कैंडी क्यूब में बदल जाता है। यहाँ भी पहले की तरह ही टेबल पर बने फ्लैप पर एरिक इस क्यूब को रखते हैं और बटन प्रेस करते ही ये फ्लैप फ्लिप हो जाता है और फ्लैप के नीचे पहले से ही मौजूद कैंडी से बना क्यूब टेबल के ऊपर आ जाता है। इसके बाद एरिक इस बड़े रूबिक्स क्यूब को जोर से टेबल पर फेंकते हैं और देखते ही देखते ये क्यूब कैंडीज में बदल जाता है। असल में इस छोटे रूबिक्स क्यूब को कैंडी में बदलने से पहले अगर आप एरिक के दूसरे हाथ को देखें तो वो टेबल के पीछे जाता है और यहीं एरिक रियल क्यूब को फेंक कर एक दूसरा क्यूब अपने हाथ में ले लेते हैं जो कुछ इस तरह का होता है। ये क्यूब अंदर से बिल्कुल हॉलो है और इसमें अंदर सिर्फ कैंडीज भरी हुई है। इस क्यूब के चारों तरफ के फ्लैप्स कुछ इस तरह से खुल सकते हैं। जादूगर जब इसे जोर से टेबल पर फेंकता है तो ये क्यूब ओपन हो जाता है और क्योंकि इसके अंदर का हिस्सा पूरा ब्लैक होता है इसीलिए टेबल पर ये दिखाई नहीं देता। साथ ही इसके अंदर मौजूद कैंडीज भी टेबल पर बिखर जाती है जिससे ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जैसे ये क्यूब कैंडीज में बदल गया हो। एरिक के ऐसे ही एक और एक्ट में अगर हम स्लो मोशन में क्यूब को टेबल से टकराते हुए देखें तो यहाँ क्यूब के साइड के फ्लैप्स को ओपन होते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद एरिक बाउल में से कुछ और कैंडीज अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को रब करते हैं और ना जाने कैसे उनके हाथों से कन्फेटी निकलकर हवा में उड़ने लगती है। दरअसल बाउल से कैंडीज हाथ में लेने के बाद जब एरिक बाउल को वापस टेबल पर रखते हैं इसके ठीक बाद अगर आप यहाँ देखें तो उनका हाथ टेबल के पीछे है और यहीं बड़ी चालाकी से वो कन्फेटीज अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके साथ ही एरिक अपने पैरों के पास रखे ब्लोअर को ऑन करता है जिससे हाथ में मौजूद कन्फेटी हवा में इस तरह उड़ने लगती है। अगर इसके ठीक बाद देखें जब ऊपर से भी कुछ कन्फेटीज को गिराया जाता है तब आप यहां साइड से कन्फेटीज को नीचे आते हुए देख सकते हैं लेकिन उसी समय ये सेंटर की कुछ कन्फेटीज को ऊपर उड़ते हुए भी देख सकते हैं जो ये प्रूफ करता है कि सेंटर में ब्लोअर से हवा ऊपर फेंकी जा रही है।
इस तरह एरिक चैन अपने इस मजेदार एक्ट से सबको हैरान कर देते हैं और अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।